क्या सोच रही हो? मुझे बचपन से बादल देखना बहुत पसंद है। जब छोटी थी मैं तो मुझे लगता था कि ये बादल सिर्फ इसलिए बरसते हैं क्योंकि इन बादलों को सूरज से दूर होने पर बहुत उदासी होती है। बल्कि मुझे लगता था बादलों को सूरज से प्यार है। शायद इसी वजह से उनकी ये हालत मुझसे देखी ना जाती और मैं रोने लगती। लगता है बचपन की कहानी असर कर गई मुझ पे। हो सकता है जो तुमने सोचा हो हकीकत उसके बरक्स हो सकता है वो बादलों से मोहब्बत करता हो। लेकिन आशिक महबूब से दूर कैसे रह सकता है? अगर वो बहुत करीब आएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर छुपी हुई आग उन बादलों को जलाकर भस्म कर डाले। मैंने हमेशा बादल की तरफ से सोची ये कहानी, कभी सोचा ही नहीं कि सूरज पे क्या गुजरी होगी। हो सकता है। तुमने देखा ना हो और ना ही जाना हो लेकिन उसका दिल तेज आग की आंच पर हमेशा और हर वक्त जलता रहता है। कम से कम ये तो है कि सूरज के दिल में भी मोहब्बत की आग जल रही है। वो जलने का आदि तो है मगर जलकर राख नहीं होता। मेरे ख्याल से वापस जाना चाहिए तुम्हें। अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा, कॉफी भी पी ली है हमने। मैं ठीक हूं बल्कि अब पहले से बहुत बेहतर हूं। लेकिन अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो गया? कुछ नहीं होगा मुझे। तुम वादा करते हो? हाँ वादा। यमान क्रिमली, आपको कमरे में जाना होगा।